सबको नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आके। 5-6 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी, साल के रिजल्ट में और उसके बाद जो ये जेई नीट के रिजल्ट आए, तो बात जेई नीट की नहीं है, इसरो तक में आप लोग दखल दे रहे हैं। कई बार अपनी ही ताकत, अपनी ही ऊर्जा को देख के भरोसा नहीं बनता है ना, पर धीरे धीरे अंग्रेजी में कहावत है नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो अब सक्सेस मिलने लगी है सब पे। और उस सक्सेस में आपका ये स्कूल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल मॉडल बन के खड़ा हुआ है। मतलब मुझे आइडिया था, भासाभास था कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत हालात में नहीं है, मतलब जितना स्कूल की बिल्डिंग और बहुत सारी अच्छी अच्छी हो गई हैं उसके दृष्टिकोण में कहीं नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जब यहाँ उतरा तो आप लोगों के प्रति सम्मान मेरे मन में और बढ़ता है। इस बिल्डिंग में पढ़ाकर आप लोगों ने जो झंडे गाड़े हैं, आपने वाकई उस बात को चरितार्थ किया है कि नहीं था, शिक्षा केवल बढ़िया सुविधाओं की दरकार नहीं है, कुछ और चाहिए। पर वो कुछ और जो चाहिए वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो आप लोगों ने बताएंगे, ताकि इसको हमारा एक काम है आपके साथ मिलकर इस स्कूल को आगे बढ़ाना, लेकिन हमारा एक काम ये है कि आप सबसे भी सीख के समझ के, ताकि हर स्कूल से IIT में निकल के बच्चे जा सकें, कॉम्पिटिशन में शामिल हो सकें, लीग में जा सकें, और जहाँ किसी स्कूल में कोई कमी बेसी हो, कहीं कोई कमरा नहीं है, कहीं कोई लैब नहीं होगी, कहीं कोई और लाइब्रेरी का जगह नहीं होगी, कहीं प्रिंसिपल के बैठने की जगह नहीं होगी, उसके लिए रोते हुए ना रहकर बच्चों के साथ काम करके कैसे प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है, आपसे सीखना है। यस। सो बेसिकली हमारे पास जब बच्चे आते हैं सिक्स्थ में, फ्रॉम 6 to 8 सर, वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट देम and make them more curious towards science, towards all the fields, art, everything at that time we are doing, from 6 to 8. Then when they come into 9th and 10th, that is the time we try to understand the direction of their talent. This motivation and direction is through the motivational videos that we show them of great scientists, thinkers, inke bare mein stories share ki jati hain, jisse bachche ko ek, what are the opportunities that are available in the world, wo dikhai deta hai. Then after the 10th class, when we have seen that this child can go into this field, then our senior teachers, they take over and then they drive them towards their targets. So, फिर उनको उसमें और आगे ले जाते हैं. And that is how I feel we can grow at every step. And we have the 5C formula that we are using. Connect with all, connect with students and their parents. This is non-stop. Then we are counseling the students and the parents. Constantly we are motivating them. Myself, Suman Arora. और जो मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज रही, जब भी हम पढ़ाते हैं, जब मैं फास्ट कई बार कैलकुलेशन कर देती हूँ तो बच्चे कहते हैं आपने कैसे किया ये, यहाँ पे ये वाला स्टेप आप, तो आई यूज वैदिक मैट्रिक्स. तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको यही सिखाती हूँ क्योंकि एंट्रेंस में आपके काम आएंगे. कि मैंने भी जब PGT का पेपर क्लियर किया तो मैंने भी ट्रिक सीखी, एम डायरा की बुक है, कुकर मैक्स वहाँ से सीखी मैंने, उनको वो किया, आर डी शर्मा की बुक्स हैं जिसमें से आप ये वाली ट्रिक सीख सकते हैं. कुछ मैं उनको वहीं बता देती थी कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि रेस में तो बहुत लोग दौड़ रहे हैं, आपको कम समय में, बहुत लोग बच्चा पियर हो रहा है, कम समय में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं. आप में से किसी का एक्सपीरियंस होगा किसी और विद्यालय में काम करने का? कब आएगा आप यहाँ पे? हमारी सोच में जब मैं यहाँ पर आया तो प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस में एक सोच हमने डेवलप की कि जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो एक मतलब मार्केटिंग जो मतलब की चल रहा है कि अगर एक बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा तो ही वो IIT निकाल पाएगा. उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की हमने मार्केटिंग पर हमने सीधा प्रहार करना स्टार्ट किया. हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया कि बिना कोचिंग के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है. इसीलिए सर पिछले साल हमारे 7 बच्चे सिलेक्ट हो पाए और इस साल हमारे 5 बच्चे IIT में पहुंच पाए. मैम को बताया है सर बहुत अच्छे से, वो पांचों बच्चे जो जिन बच्चों का IIT एडवांस में क्लियर हुआ है वो 11th में ही कहते थे सर हमें मतलब कहीं ना कहीं कोचिंग करनी है अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. मैंने उनसे कहा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ सिर्फ उसको आप फॉलो करते रहिए. मेरा फिजिक्स है और मैंने नोएडा में भी कोचिंग किया है कुछ टाइम के लिए. उससे पहले मैं DPS आरतीपुरम में भी रहा हूँ. DRDO में एज अ साइंटिस्ट भी सिलेक्ट हुआ था बट टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं इसी फील्ड में वापस आया.
वहाँ में हमें आप अंतर बता रहे हो क्या वहाँ हमने सर सोच में हमारे दूसरे विद्यालयों में ये स्वीकृति है कि नहीं नहीं हम तो अच्छा पढ़ा लेंगे लेकिन कोचिंग भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। ये सर यही है मैंडेटरी सर, आज किसी भी टीचर को विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा मेरी टीचिंग की वजह से सिलेक्ट हो सकता है, और जब तक सर ये विश्वास हम लोग पैदा नहीं करेंगे ना बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता है। सीबीएसई लेवल का हमें टीच करना ही है 12 तक, लेकिन अगर मैं साथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को मैं कराता जाऊंगा और बच्चों को मैं साथ में उन्हीं क्वेश्चन पर बेस 5 क्वेश्चन में एडवांस लेवल के दे दूंगा और बच्चों को कहूंगा बेटे आपने सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर निकालो, आंसर आए या ना आए इट डजंट मैटर, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है। मैंने हमेशा फोकस किया अटेम्प्ट करो, मेरे बच्चे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट हुए, आंसर नहीं आए, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं वेल डन यू हैव अटेम्प्टेड, आंसर नहीं आए 2 मिनट आंसर बिल्कुल नहीं आए, मैंने कहा वेल डन कीप इट अप, और 2 महीने बाद उन्हीं बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हुए। और इसीलिए सर मेरा एक बच्चा आयुष बंसल 189 रैंक है पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, किसी पब्लिक स्कूल का भी नहीं है। हमारे स्कूल के 5 बच्चे जो मतलब बिल्कुल गरीब परिवारों के रेंटेड उसमें रहते हैं, मेरे स्कूल के बच्चों के अभी भी उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मैम के पास एक बच्चा आया था सुजल, कल भी सर उसके पास आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो चुका है आईआईटी हैदराबाद में, उसके पैसे नहीं है कि उसके पिताजी जो है एक बिलदार है और रेंटेड वो घर में रहता है 6,000 रुपए कमाते हैं। हमने सर स्कूल लेवल पर हमने मतलब कोऑर्डिनेशन किया कि उसकी इस बार की फीस हम लोग स्कूल लेवल से मतलब उठा कर देते। मैं सिर्फ यही समझना बच्चों से हाथ मतलब अपने हाथों से टच करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब वो बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेता है न्यू टेक्नोलॉजी से तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है जो मैं वहाँ नहीं कर पा रहा था। तो मुझे यहाँ की तो बिल्डिंग और सुविधाएं भी अच्छी थी, यहाँ से तो बेहतर ही थी, लेकिन मुझे वहाँ वो सपोर्ट नहीं मिला सर जो मुझे यहाँ पर मतलब प्रोवाइड हुआ। वो जो सपोर्ट है उसी को डिकोड सर वो सपोर्ट व्हाट इज दैट, वो सपोर्ट सर मतलब एक एक बिलीव होता है एक्चुअली आपके ऊपर, ऐसे एक पेरेंट्स का बिलीव होता है, टीचर के लिए प्रिंसिपल का बिलीव होता है कि आप आगे बढ़ के मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर मैं 2-3 यहाँ पे सर क्लास लेता था स्कूल में, मैम मेरे साथ हमेशा 3:30 स्कूल से बाहर निकलती थी, वो सपोर्ट चाहिए था सर। केमिस्ट्री पीजीटी था मैं यहाँ पे, अभी मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल कविता कॉलोनी। सर जो मैंने मेन चीज़ जो देखी है कि जैसे बच्चा 10th से 11th में आता है तो हमारे बच्चे टैलेंटेड तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत सारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं कई तो, लेकिन मेन चीज़ उसमें ये होती है कि गाइडेंस की कमी होती है, बच्चे को एम की कमी होती है, जो मैंने फील किया है कि बच्चे के पास एम नहीं होता। मेरा पहला 2-3 क्लासेस में यही काम होता है कि बच्चे को ये बताया जाए कि इन सब्जेक्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और ये आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर बच्चे ने मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर मोटिवेटेड हो गया तो मोटिवेशन के बाद वो न उसके एक्स की जरूरत है न वाई की जरूरत है, मोटिवेशन बहुत बड़ी डेडिकेशन ऑन द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सर वोकेशनल टीचर हूँ ऑटोमोटिव से और ये मैम आईटी से हैं, तो यहाँ प्रतिभा केंद्र शायद 2 स्कूल के अंदर यमुना विहार और ये, तो सर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे तो हमारे पास तकरीबन नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं बाद में, तो हम उनको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलैक्स करा के दूसरे ढंग में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और 4 साल तक हम उनको पढ़ाते हैं 9th से लेकर 12th तक। तो हम इंजीनियरिंग को थोड़ा पुश करते हैं, जैसे वो ऑटोमोबाइल हैं, मैकेनिकल्स हैं या ये आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो बच्चा वहाँ से धीरे धीरे ये उसको एक ये जिज्ञासा इच्छा शक्ति डेवलप होती है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। ठीक है, नॉन मेडिकल के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे हमारे ये जब हैं तो पिछले साल जो विजय था वो भी ऑटोमोबाइल का था, यही साल गर्वित है या कुछ और है तो आईटी का है, तो मतलब 5-6 बच्चे होते हैं हमारे पास तो कम से कम 2 या 3 बच्चे वो आईटी या ऑटोमोबाइल के होते हैं और उसको पिछले 4-5 साल में जितने इंटरवेंशन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनमें आपको एज ए टीम मार्केटिंग को सबसे यूजफुल जिसमें आप कहें कि हमें इससे मदद मिली एनी इंटरवेंशन दैट यू वुड लाइक टू मेंशन। भूषण कुमार पीजीटी बायोलॉजी। सबसे बड़ा जो सर कंसेप्ट हमें पिछले सालों में देखने को मिला है वो लीडरशिप है सर, जो हमारा लीडर है उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे वो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा पायलट अच्छा होगा नहीं सर हमारी जो टीम है जो हमारी मैडम है तो उनके जो मार्गदर्शन में हमें काम करने को मिल रहा है जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर आई एम तरुण, आई एम पीजीटी कॉमर्स हियर।
ऑल द बात साइंस की हो रही है बट स्टिल मेरा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। आई वॉज इन प्रतिभा पहले देन ज्वेलर्स में भी पढ़ाया है मैंने, तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया नॉर्मली वो ये करा है कि पी जी टी लेवल पे 11th 12th पे सारे स्कूल ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जहाँ आपने को प्रतिभा और निष्ठा वाली स्कीम स्टार्ट करी थी सर, वो बेस जो हमारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्राइमरी से स्टार्ट होगा। ये 11th 12th की बात नहीं, फिजिक्स के टीचर यहाँ पे भी अच्छे हैं, मैं भीरागढ़ी में था वहाँ बहुत अच्छे सर, तो वो भी बहुत अच्छा बहुत मेहनत करते हैं। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सर, इसमें जो डिफरेंस की बात कर रहे थे, शायद मुझे वो लगता है जो आपकी स्कीम जो थी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, प्रतिभा निष्ठा बाकी स्कूल शायद अभी भी चल रही है, वो बेस नहीं है सर हमारा, बाकी स्कूल में बेस ही नहीं है, बच्चा कहाँ से करे। यहाँ सिक्स में आता है तो उसका बेस वहाँ पे भी वहाँ की क्रीम आ जाती है, फिर हम उसको डेवलप करते हैं। सर एक बात जो बार बार आप कर रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज करते थे, सर यहाँ पे ना ट्राइंगल या ये हर समय ना ये रहता है टाइम के लिए, तो शुरू में ये चीज जैसे मैं दो साल पहले आई हूँ मैम के पास होते थे कि मैम मेरी क्लास उन्होंने ले ली, तो फिर मैम ने उसको ऑर्गेनाइज करवाया। टीचर्स के बीच ये फीलिंग ही बहुत जरूरी है, लाडली मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, मेरा पीरियड तुम ले लेना जरा, मैं घूम के आता हूँ। मैं आई हूँ वो एब्सेंटी मेरे को दियो, ये वाला मेरा पीरियड खा रहा है। सर वो चीज हम लोग मैनेज करते हैं, सर वो चीज हम लोग मैनेज करना, दिस इज द थिंग दैट हैज टू बी कैप्चर्ड एक्चुअली, ये फीलिंग लाना सर बहुत मुश्किल है, इनकी लड़ाई कंट्रोल इनकी लड़ाई कंट्रोल करना, दिस इज योर टाइम टू इट सर, एक बहुत प्यार से करते हैं सर। एक और पॉइंट आई एम पीजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हूं सर, मैं ये कहना चाहूंगी एक कोट ऐसे जैसे कि स्टूडेंट्स आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी, एंड सर जो टीचर्स होते हैं उसको उस मिरर को पॉलिश करते हैं। मेरे फादर जो थे आर्मी में थे, तो सर मेरा क्या है कि मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ सर, तो बीच बीच में मैं लाइक मेरा जो सर स्कूलिंग है आर्मी स्कूल से रहा सर, आर्मी स्कूल से एंड 11th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय से भी, तो सर मैं उनको आर्मी के बारे में लाइक ऑफिसर्स लाइफ जो होती है सर, ये सब मैं उनको ज़रूर रिलेट कराती हूँ सर। काफ़ी जैसे सिक्स के भी जो बच्चे हैं सर मेरे, उनको भी अगर मैं बताऊँ ना कि आर्मी में ऐसा होता है, लाइक इच्छा जाती है कि सर मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। चीजें मैं इकोनॉमिक्स का पढ़ी थी यहाँ पर, और पिछले साल से इस साल डिस्टिंक्शन में फर्क है थोड़ा सा, पिछले साल 22 डिस्टिंक्शन थी 33 में से, इस बार 31 और 16 एवन ग्रेड के बच्चे हैं। ये जो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब देवेंद्र जी यहाँ हैं तो ये अपने आप को सबसे बढ़िया टीचर समझते थे कि मेरे से अच्छा कोई टीचर नहीं, हमने इन्हीं से कंपटीशन लगाया कि हमारी कॉमर्स क्लास के ह्यूमैनिटीज को छोड़ दें आप, आपके पास साइंस के बच्चे हैं, हमारे पास कॉमर्स के बच्चे हैं, कि भाई आप ज्यादा दे दो या हम ज्यादा दे दें, बहुत लड़ाई करते हैं दोनों। और सर एक बात माई गुड लक कि इतने अच्छे बच्चों का खिदमत करने का मौका हमें मिला है और इतने अच्छे टीचर्स के साथ में आके काम करने का मौका मिला है, दे आर रियली टीचर्स। हम खाली सुनते थे कि टीचर ऐसे होते टीचर ऐसे होते, यहाँ आके हमें देखने को मिला है, जो हमें पिछले स्कूल में इतना तजर्बा उसका नहीं हुआ था। देवेंद्र जी का 87.4 QI और हमारा 87.6 QI, 2 पॉइंट ऊपर चले गए। तो इस तरीके का जो सर कंपटीशन है असल में ये हेल्दी कंपटीशन।